सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बेटे की जिंदगी बचाने को पिता ने ब्लैक में खरीदे दो रेमडेसिविर इंजेक्शन, शीशी में निकला ग्लूकोज का पानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण के इलाज में जीवन रक्षक माने जाने वाले रेमडेसिविर की किल्लत के चलते इसकी कालाबाजारी और ठगी के मामले भी रोजाना सामने आ रहे हैं। शहर की लसूड़िया पुलिस ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है जो इंजेक्शन की शीशी में ग्लूकोज का पानी भरकर लोगों को ठग रहा है। पुलिस को इसकी शिकायत एक पिता ने की थी, जिन्होंने अपने बेटे के लिए युवक से दो इंजेक्शन खरीदे, लेकिन डॉक्टर ने देखा तो शीशी में ग्लूकोज वाटर निकला। मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है। कोरोना संक्रमित युवक विशाल के पिता गणेश राव ने बताया कि उनका बेटा ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, वे उसके लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की तलाश में भटक रहे थे, जब उनकी मुलाकात उज्जवल नाम के युवक से हुई। उज्जवल ने उन्हें अपना फोन नंबर दिया और कहा कि वह इंजेक्शन की व्यवस्था कर सकता है। गणेश राव ने उज्जवल से फोन पर बात की तो उसने 20,000 रुपये में एक इंजेक्शन देने की बात कही। कोई उपाय नहीं देख उन्होंने दो इंजेक्शन खरीद लिए और उसे लेकर अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में डॉक्टर ने देखा तो बताया कि इंजेक्शन की शीशी में ग्लूकोज का पानी भरा हुआ है। डॉक्टर ने इंजेक्शन की सील देखी तो वह टूटी हुई थी, सील को फेविक्विक से चिपकाया गया था। डॉक्टर को शीशी के ऊपर लगे रबड़ के ढक्कन पर सुई का निशान भी नजर आया। इसके बाद डॉक्टर ने बुजुर्ग पिता को ठगी के बारे में बताया। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।